शिक्षकों के ट्रांसफर हेतु शालाओं में रिक्त पदों की जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगी है, जिसे शिक्षक अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से चेक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करें इससे पूर्व बताना चाहेंगे कि आप शालाओं में रिक्त पदों की जानकारी यदि चेक कर रहे हैं, तब एजुकेशन पोर्टल पर अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करें और लॉगिन करने के उपरांत ही शालाओं में रिक्त पदों की जानकारी चेक करें। यदि आप लिंक के माध्यम से शालाओं में रिक्त पदों की जानकारी चेक करते हैं, तब इसमें जुलाई 2019 की स्थिति में आपको शाला में रिक्तियां दिखाई देंगी, जो कि त्रुटिपूर्ण हो सकती है। शालाओं में रिक्त पदों की जानकारी चेक करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में आपको एजुकेशन पोर्टल को सर्च कर लेना है। एजुकेशन पोर्टल को सर्च करने के उपरांत अब इसमें आपको लॉगिन होना है, तो एक ऑप्शन इसमें दिया गया है, लॉगिन करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे आप लॉगिन करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एजुकेशन पोर्टल के लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। अब यहां पर यूजर नेम अर्थात आपको अपना यूनिक आईडी फिल करना है और जो भी आपका एजुकेशन पोर्टल का पासवर्ड हो वो पासवर्ड आपको यहां पर फिल कर देना है। इसके उपरांत कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो आप एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करते ही एजुकेशन पोर्टल के हम अपने होम पेज पर आ जाते हैं। अब यहां से हमें पोर्टल होम पर जाना है, तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है पोर्टल होम, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हम एजुकेशन पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं मेन मेनू का एक ऑप्शन दिया गया है, हमें इस पर क्लिक करना है और स्क्रीन को हमें नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहां पर हम देखेंगे कि टीचर ट्रांसफर का एक ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। ओपन करते ही एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं सेटअप पोस्ट का ऑप्शन दिया गया है, स्थानांतरण आवेदन का ऑप्शन दिया गया है और वैकेंसीज का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। जैसे ही हम वैकेंसीज वाले ऑप्शन पर कर्सर लेकर जाते हैं, एक सब ऑप्शन ओपन हो जाता है, व्यू वैकेंसीज आफ्टर फेज वन, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ से हम शालाओं में रिक्त पदों की जानकारी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जिस जिले में आपको शाला में रिक्त पदों की जानकारी चेक करना हो वो जिला इस ऑप्शन से सिलेक्ट कर लेना है। इसके उपरांत हमें विकासखंड सिलेक्ट करना होगा और इसके बाद शाला का प्रकार, तो जिस प्रकार की शाला में आप रिक्त पदों की जानकारी चेक करना चाह रहे हैं वो शाला आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके पश्चात विषय पैनल समूह भी आपको सिलेक्ट करना होगा। इतनी जानकारी फिल कर देने के पश्चात जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को फिल करके आपको नीचे जो ऑप्शन दिया है व्यू वैकेंसीज, इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो संबंधित जिला और विकासखंड में जितने भी शालाओं में रिक्त पद हैं वो सभी शाला यहां पर प्रदर्शित हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहां पर ऑप्शन दिया गया है फाइनल वैकेंसी पोजिशन, तो यहां पर जो फाइनल वैकेंसी पोजिशन है ये रिक्त पद की जानकारी यहां पर शो हो रही है। साथ ही इसमें बताना चाहेंगे कि वर्तमान में माध्यमिक शाला में रिक्त पदों की जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रही है। जैसे हम इसमें चेक करके देखते हैं तो इसमें मैसेज आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। इसमें बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 12 जुलाई 2021 को स्थानांतरण के संबंध में जो आदेश जारी किया गया था, इसमें जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को निर्देशित किया गया था कि आप 3 दिवस के भीतर शालाओं में रिक्त पदों की जानकारी अपडेट कर लें। तो 12 जुलाई से 3 दिवस अर्थात 15 जुलाई शाम या रात तक रिक्त पदों की जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएगी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा, तब आप अपने शाला में रिक्त पदों की जानकारी चेक कर सकते हैं। उन्हें एक बार बताना चाहेंगे कि आप किसी भी लिंक के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी चेक ना करें। आपको यदि रिक्त पदों की जानकारी चेक करना है, तब एजुकेशन पोर्टल पर आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन होवें और इसके पश्चात ही आप शालाओं में रिक्त पदों की जानकारी चेक करें। आशा है जानकारी से आपको सहयोग जरूर प्राप्त होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तब इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।